मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला था तो उनके एजेंडे में गायों का संवर्धन का मुद्दा सबसे अहम था। उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में जहां भी गाय हैं उनके चारा पानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम वहां के संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। लेकिन जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि यहां गाय की कितनी सुरक्षा की जा रही है। ताजा मामला बांदा से है जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से हाई टेंशन तार एक सरकारी पशु बाड़े में गिर गया, जहां पर 21 गाय की मौत हो गई। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही 24 से अधिक गाय की मौत भूख और ठंड की वजह से हो गई थी। ये आज गौशाला में बिजली के कारण गाय की मौत हो गई। कितनी गाय मरी है? ये 21 गाय मर गई गिनती में। अच्छा, इसके पहले भी कुछ गाय? इसके पहले भी मर चुकी है 250 गाय। एक दिन में नहीं मरी, कई दिनों में, एक महीना के अंदर 250 गाय मर गई। ने बताया लाइट नहीं थी और सुबह जब इसको लाइन ऑन किए करीब 7:30 बजे, तो ये क्योंकि ठंडी के मौसम में तार सिकुड़ते और ये सब भी बातें होती हैं, तो इनका जो एक जब ये लाइन ऑन किया तो एक इंसुलेटर इनका ब्रस्ट कर गया, और जब इंसुलेटर ब्रस्ट किया तो एक तार नीचे गिरा। तो गायें, हमारा गौशाला बहुत दूर बना हुआ है जहां की घटना है, जो हमारा निर्माण है, तो वहां से गायें अपना सुबह टहलती वहलती रहती, अपने हिसाब से विचरण करती रहती, तो इसके नीचे जो गाय थी वो उन पर तार गिरा, उनकी डेथ। एक दुखद घटना है और इसमें कोई अभी जो हम लोग यहाँ सभी हमारे कप्तान साहब, हमारे सारे अधिकारी, सीबीओ, सीडीओ, सभी बिजली विभाग के सारे अधिकारियों को ला करके अभी हम लोगों ने ताकियात किया, तो इसमें किसी का कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है। फिर भी हम इसकी एफआईआर लॉन्च करेंगे और इसकी